इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इन दिनों पर तो हम सारे भारतीय ये बात बार बार कहते रहते हैं कि इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज बेस्ट, प्राउड टू बी इंडियन, लेकिन साल के बाकी दिनों पर इंडिया के बारे में मुझसे एक शब्द भी नहीं निकलता। तो आज के इस वाली वीडियो में मैं आपको इंडिया के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद आपका सीना गर्व से फूल उठेगा और साल भर कहते रहोगे कि प्राउड टू बी इंडियन। अगर सच्चे भारतीय हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर दिल से इंडिया पर गर्व महसूस हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 20। आप ये बात तो जानते होंगे कि जीरो इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने इन्वेंट किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री ये भी इंडिया में ही इन्वेंट हुए हैं? जी हाँ, 1425 में जन्मे माधवा, जो कि मिडिल एजेस के ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन माने जाते हैं, उन्होंने इन्वेंट किया था कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री को। फैक्ट नंबर 19। क्या आप जानते हो कि कुंभ मेला पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग के नाम से जाना जाता है, जहां हर साल करीब 110 मिलियन यानी 11 करोड़ लोग विजिट करते हैं। साल 2019 में तो कुंभ मेले में करीब 240 मिलियन यानी 24 करोड़ लोगों ने विजिट किया था। और तो और कुंभ मेला स्पेस से भी विजिबल है। फैक्ट नंबर 18। क्या आप जानते हो कि गूगल, मास्टर कार्ड, पेप्सिको, ग्लोबल फाउंड्रीज, माइक्रॉन टेक, सॉफ्ट बैंक और एडोब, इन सब कंपनीज के सीईओज इंडियन है। फैक्ट नंबर 17। आप लोग ये जानते ही होंगे कि इंडिया दुनिया का ऐसा पहला देश है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स पर पहुंच चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मार्स मिशन के लिए 450 करोड़ रुपीस 780 मिलियन किलोमीटर के लिए बजट के तौर पर थे, यानी सिर्फ 5.77 रुपीस पर किलोमीटर की कॉस्ट पर इंडिया मार्स पर पहुंच चुका है। और क्या आपको पता है कि नासा को उनका मैवन मार्स ऑर्बिटर तैयार करने में करीब 5 साल लगे थे, लेकिन इंडिया ने सिर्फ 15 महीनों में ही अपना मंगलयान कंप्लीट कर दिया। और तो और क्या आपको पता है कि इसरो ने मंगलयान का वेट मैनेज करके सिर्फ 1350 किलोग्राम्स तक ले आए, और ये वेट किसी एवरेज एसयूवी से भी कम है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि एमसी मोदी यानी मुरुगप्पा चिन्नावीरप्पा मोदी, जिन्हें मोस्ट डेडिकेटेड डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने साल 1968 में लगातार 14 घंटे तक करीब 833 आई ऑपरेशंस किए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और तो और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में करीब 46,120 विलेजेस को विजिट करने के बाद करीब 1,21,18,630 पेशेंट्स का चेकअप करने के बाद करीब 6,10,564 आई ऑपरेशंस किए। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन ब्रांचेस मौजूद हैं, जिन्हें ओवरसीज ब्रांचेस भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 14। क्या आप जानते हो कि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। इसकी सीटिंग कैपेसिटी करीब 1,10,000 है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जिसका नाम है BCCI, वो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हो कि दुनिया की टॉप 10 मेगा सिटीज में से 2 मेगा सिटीज इंडिया में ही मौजूद है, जिनका नाम है मुंबई और दिल्ली। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि यूएसए में मौजूद 38% डॉक्टर्स, 12% साइंटिस्ट, 36% नासा के साइंटिस्ट, 34% माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज, 28% IBM एम्प्लॉयज, 17% इंटेल साइंटिस्ट, 13% जेरोक्स एम्प्लॉयज, ये सब इंडियंस हैं। सोचो यार, हमारे यहाँ के लोग इंडिया में कम और फॉरेन में जाकर ज्यादा काम करते हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आप जानते हो कि इंडिया में डेली बेसिस पर करीब 850 लैंग्वेजेस यूज की जाती है, और करीब 1600 लैंग्वेजेस टोटली एग्जिस्ट करती है इंडिया में। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हो कि इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट गोल्ड बायर कंट्री है? और तो और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार इंडियन हाउसवाइफ्स करीब 25,000 टन गोल्ड होल्ड करती है, जो कि ओवरऑल करीब 11% है पूरी वर्ल्ड में। इस वजह से इंडिया को वर्ल्ड लार्जेस्ट होल्डर्स ऑफ द मेटल गोल्ड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हो कि दुनिया के करीब 70% स्पाइसेस यानी मसाले इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं? यहाँ तक कि मसाले इंडिया ने ही इन्वेंट किए हैं। ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की माने तो टोटल 109 वैरायटीज में से 75 वैरायटीज इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि योगा, जो कि आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, वो इंडिया में ही करीब 5000 साल पहले इन्वेंट हुआ था। सेज महर्षि पतंजलि को फाउंडर ऑफ योगा भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सरदार सरोवर डैम के बाजू में दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी,
जो कि करीब 182 मीटर्स यानी 597 फीट ऊंची है। इस स्टैचू का कंस्ट्रक्शन सिर्फ 5 सालों में ही पूरा हो गया था और ये इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट हुई है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि चाइना के बाद सबसे बड़ी आर्मी इंडिया की है? इंडिया के पास दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है। वैसे इंडिया हर मामले में रैंक करती है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है नीचे कमेंट में जाके बताइए। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इंडिया में करीब 125 मिलियन यानी 12 करोड़ से ज्यादा लोग इंग्लिश स्पीकर्स हैं। फैक्ट नंबर 4, इंडिया के पास फिल्म्स की क्वांटिटी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और वो है बॉलीवुड। बॉलीवुड ईयरली करीब 2000 फीचर फिल्म्स रिलीज करता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्ड करने के मामले में इंडिया नंबर 3 पर है? इंडिया के करीब 80 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लिस्टेड है गिनीज बुक में। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि इंडिया इकलौता ऐसा देश है जिसके नाम पर पूरा एक ओशन यानी महासागर है और वो है इंडियन ओशन। फैक्ट नंबर 1, रिसर्च के अनुसार नासा ये क्लेम करता है कि संस्कृत जो कि इंडिया में इन्वेंट हुई थी, ये लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डेवलप करने के लिए वो सबसे सुटेबल लैंग्वेज है, यानी संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी है, क्लेम्ड बाय नासा। भाई ये सब बातें सुन के तो सीना गर्व से फूल जाता है। मेरे ख्याल से जो लोग इंडिया छोड़कर फॉरेन में परमानेंटली जॉब करने के लिए जाते हैं, अगर वो बाहर से सीख कर इंडिया में आकर उस नॉलेज को अप्लाई करें तो शायद इंडिया और भी जल्दी इवॉल्व हो सकती है। इस बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जाकर बताइए और बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सच्चे इंडियन हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और देश प्रेम बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जाते जाते यही कहूँगा, प्राउड टू बी इंडियन।